उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। बाराबंकी पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने वाले दो साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा कारतूस को बाराबंकी पुलिस ने जब्त कर लिया है। 150 ग्राम स्मैक एवं वादी की स्कूटी सहित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आइए जानते हैं कि बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने क्या कहा। आवास विकास कॉलोनी में एक प्रेम कुमार अग्निहोत्री रिटायर्ड सरकारी कर्मी है, ये रहते हैं अपने परिवार के साथ। शाम को 7:45 के लगभग दो लोग इनके घर गए और इनके लड़के के बारे में उन्होंने पूछा। इन्होंने जब ये जानना चाहा कि लड़के को क्यों पूछ रहे हैं, तो उस आदमी ने आवेश में आके इनके ऊपर फायर कर दिया और इससे इनके चेहरे और वहाँ पर इनके छर्रे लगे। इनका लड़का, दूसरा लड़का पंकज था, वहाँ पर उसके भी छर्रे लगे। इन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ कर उन्होंने बताया कि इनका लड़का मोहित उससे और नंद कुमार वर्मा से पैसे को लेन देन के विवाद है, उधार को लेकर, और दोनों नशा करने के अध्यस्त हैं, इसलिए इनका साथ हुआ। उनकी लिखाई हुई FIR के आधार पर पुलिस की टीम सक्रिय हुई। COCT के अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ABN News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और देखें देश दुनिया और प्रदेश की लेटेस्ट न्यूज सिर्फ ABN News 24। केवल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया बल्कि घटना में प्रयुक्त असलहा और मोटरसाइकिल के अतिरिक्त अन्य आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की हैं, जिसके संबंध में अलग से मुकदमा लिखा गया है। इस विवाद के बारे में मालूम पड़ा कि ये जो मोहित है, मजरू का लड़का है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, तो व्यापार करने के लिए उधार चाहता था और घर वालों को बिना बताए हुए इसने उधार लिया और उस कारण ये विवाद बढ़ता रहा और घर वालों को इसकी सही जानकारी नहीं हो सकी। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अन्य जो सुसंगत साक्ष्य हैं उनको एकत्र किया जाएगा और विवेचना में शामिल किया जाएगा। जो अभियुक्त है ये थाना कोतवाली का SP शीटर है, इसके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके विरुद्ध इस मुकदमे के अतिरिक्त और अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि इसे अधिक से अधिक दिनों तक जेल में रखा जा सके। इस गुरुवार को क्या पुलिस को कोई इनाम आपकी तरफ दिया है? ये बहुत अच्छा काम है, बड़ी त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की है। मैं टीम को बधाई देता हूँ और 10,000 रुपये नगद पुरस्कार की